ठीक है बोलो। एक स्प्रिंग है, देखिए आपकी कॉपी, हाँ जैसे मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है क्या, अब हाँ इधर से हम लोगों ने करंट भेजा तो ऐसा घूमते 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 जाएगा उधर, तो आपको बताना है कि इससे ये स्प्रिंग जो है वो पहले से थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा, कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको बताना है। कितने लोग कहते हैं कि स्प्रिंग पहले से थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, कितने लोग कहते हैं, हाथ उठाइए। चलिए कितने लोग कहते हैं कि सर स्प्रिंग थोड़ा पहले से कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, तुम कहता है और तुम भी कहता है, और बताओ तुम भी कहता है, और कितने लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों वो कॉम्प्रेस्ड होगा, तुम अकेले एक्सप्लेन करेगा, करो तुम एक्सप्लेन करो, शांति का परिचय दीजिए आप लोग। हाँ सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो उसे क्या होगा, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, ये लड़का कह रहा है कि सर देखिए, अगर एक मिनट फिर से कॉपी दीजिए, अगर सर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इस वाले लूप में अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो इसके बगल वाले में भी ऐसे ही फ्लो करेगा, इसके बगल वाले में भी ऐसे ही फ्लो करे, अरे बोलिए ना, अरे सेम डायरेक्शन में ही ना फ्लो करेगा। और सर आपने बताया है कि जब भी दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ठीक है मैंने बताया है स्ट्रेट के लिए, ये कैसा है कर्व्ड है, लेकिन कोई बात नहीं है, है तो सेम ही डायरेक्शन में ना। अब जैसे इसी को हम कर्व कर दें तो ऐसा थोड़े है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा, अभी भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेगा। तो एकदम सही एक्सप्लेनेशन था कि चूंकि हर लूप में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसीलिए हर लूप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और जब सारा लूप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो ये पहले से थोड़ा कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये कॉम्प्रेस हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नीट ने पूछा 2013 में, कहता है करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलते हो, एक करंट कैरिंग लूप को कहां ले जाकर डाल दिए मैग्नेटिक फील्ड में, कह रहा है एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, वो हमेशा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इन ऑल ओरिएंटेशन, कोई भी ओरिएंटेशन हो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, टॉर्क तो उस पर हमेशा लगेगा। क्या ऐसा होता है, जा टॉर्क हमेशा लगता है, नहीं, दो केस में टॉर्क नहीं भी लगता, और वो दो केस कौन सा है, 0 डिग्री वाला और 180 डिग्री वाला, या बताइए 0 डिग्री वाले पे कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है, 180 वाले पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो चलिए ऑप्शंस पढ़िए और बताइए कि सबसे खूबसूरत आंसर कौन सा है, पहला वाला तो गलत ना हो गया, पहला तो कह रहा है कि हर ओरिएंटेशन में टॉर्क लगेगा, जबकि गलत बात है, दो ओरिएंटेशन में टॉर्क नहीं भी लगता है तो ये गलत है। अगला कहता है कैन बी इन इक्विलिब्रियम, माने इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ टॉर्क बराबर 0 इन वन ओरिएंटेशन ओनली, तो गलत ना है, दो ओरिएंटेशन पड़े तो ये भी गलत हो गया, कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, हाँ ये कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आगे जाके देखिए क्या बोल रहा है ये, कि बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर, ऐसा है दोनों अनस्टेबल ही होते, क्या बात करते हो, आगे चल के कबाड़ा कर लिया, तो आखिरी वाला ऑप्शन ही सही होगा, कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, वन स्टेबल एंड अदर, क्या लेवल है यार, नीट के क्वेश्चन का लेवल होता है, कुछ नहीं होता है। चलिए ठीक है, हाई देखिए करंट कैरिंग लूप ऑफ एरिया कितना है, ये भी नीट ही ना है, एरिया कितना है 0.01 meter square, चलो बढ़िया है, एंड कैरिंग अ करंट कितना 10 ampere, और अच्छा है, मतलब हमको करंट दे दिया और एरिया दे दिया तो इसे हम क्या निकाल सकते हैं, बोलो, करंट दे दिया एरिया दे दिया तो इसे हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, बोलिए, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। देखिए जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ता है ना तो उसके दिमाग में चलते रहता है कि हमको नहीं पता ये आगे चल के क्या पूछने वाला है, लेकिन एक चीज उसके दिमाग में चलते रहता है कि हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, जैसे ही देखेगा ना एरिया दिया करंट दिया दिमाग में आ जाएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट तो कम से कम इसका निकालिए लेंगे। फिर आगे कहता है इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, वो जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के एकदम परपेंडिकुलर रखा गया है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी दी गई है 0.1 tesla, कह रहा है कि टॉर्क कितना लगेगा उस पर, आप बता सकते हैं क्या कितना आएगा,
ये हवाएं गुनगुनाए मुझे तो है। हाँ बोलो, 0.01 आ रहा है, कितना आ रहा है? अच्छा 0 आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो? जीरो आ रहा है। चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला का। शांत रहो, इधर देखो। मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला का और एक करंट कैरिंग लूप है, सही है, 10 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है और एरिया भी दिया हुआ है। कैसे रखा गया है वो? मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ? कैसे रखा गया होगा? माने मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो ऐसे रखा गया होगा, ये परपेंडिकुलर है। अरे लूप के तो ये पैरेलल ना हो गया है, कैसे रखा गया? अरे ऐसे रखा तो अपना बोला जाएगा कि एकदम ये परपेंडिकुलर है। अरे यार, अब इस केस में इसके मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन या तो इधर आएगा ना तो इधर आएगा। तो जब मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है तभी भी टॉर्क 0 होगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तभी भी टॉर्क, यानी किसी भी सिचुएशन में इसमें टॉर्क कितना होना है? 0 होना है। तो कैलकुलेट करने वाला सवाल था वो तो कोई भी अच्छा स्टूडेंट जब सुनेगा कि यार मैग्नेटिक फील्ड जो है लूप के एकदम परपेंडिकुलर है, बोलो ना। अब मैग्नेटिक मूवमेंट भी लूप के परपेंडिकुलर ही होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, और दोनों केस में टॉर्क कितना लगेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 0। पता नहीं समझ में आया भी कि नहीं। अरे लूप के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब हुआ? कि मैग्नेटिक मूवमेंट के पैरेलल ना हो जाएगा वो, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर मैग्नेटिक मूवमेंट भी इधर। चलिए ठीक है, ये बताइए NCERT 4.9 स्क्वायर कोयल ऑफ कितना 10 सेंटीमीटर साइड कंसिस्ट्स ऑफ 20 टर्न एंड कैरीज अ करंट ऑफ कितना 12 एम्पियर। तो कम से कम हम इतने जानकारी से मैग्नेटिक मूवमेंट तो पक्का निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? आइए यहां भी आइए। अरे नंबर ऑफ टर्न भी तो दिया है 20, तो यहां हो जाएगा एन आई ए, एन की जगह 20, आई की जगह 12 और ए की जगह पे 10 सेंटीमीटर का क्या रे बच्चों? स्क्वायर ना होगा, माने 10 मीटर मत लिखिए, सेंटी की जगह आप क्या लिख दीजिए? 10^-2 मीटर इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि मैं सीधे लास्ट में लिखूंगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए यहां से कितना मिल रहा है आपको? कुछ भी, पहले तो ये बताओ कि ये 10^-2 ही यहाँ से मिलेगा। हाँ 10^-2, अब 12 × 2 कितना 24, तो हमको पता नहीं कहाँ लग रहा है कि 2.4 होगा क्या? बोलो ना कितना होगा? सही बोल रहे हो ना, 2.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर कहता है द कोयल इज सस्पेंडेड वर्टिकली। कोयल को कैसे सस्पेंड किया गया? तो ये वर्टिकल ओरिएंटेशन ही ना है, एक ऐसे रखो ये सब वर्टिकल ओरिएंटेशन। ये कौन सा ओरिएंटेशन? ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है, लेकिन हमने कहा कैसा रखा है बताइए? वर्टिकली रखा है। चलिए ठीक है, और कह रहा है कि एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कोयल। अब कोयल का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। वो 30° का एंगल बना रहा है किसके साथ? एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। नहीं समझे? तो कोयल का जो नॉर्मल होगा बोलो, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30° एंगल बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर। और ये कोयल का नॉर्मल का क्या मतलब हुआ? ये मैग्नेटिक मूवमेंट बता रहा है। अरे यार, मैंने बताना चाह रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 30°। मैंने थीटा दिया हुआ है कितना? 30°। अब मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कितना? 0.8 टेस्ला। तो तुम बताओ एम दे ही दिया है जी, अरे एम दे ही दिया, थीटा दे ही दिया, बी दे ही दिया, तो तुमसे टॉर्क ही ना पूछा होगा ये, और इसकी कुछ और पूछने की औकात भी नहीं है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? एम बी साइन थीटा।
चलिए बताइए m की जगह पे कितना 2.4, b की जगह कितना 0.8, और साइन कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, तो 1/2 से आप इसको काट दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 1.2 नहीं हो जाएगा, अब 12/96 और 96 है तो 0. कितना 9 से न्यूटन इंटू मीटर, देखिए नहीं क्या फॉर्मूला बेस्ड है ये, बस आपको एम बी साइन थीटा अप्लाई कर लेना है, एम लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, एम के लिए आपको करना होगा एन आई ए, बाकी हो जाएगा ठीक है। ये देखिए इसके बारे में बताइए, कह रहा है इन चारों में से किस ओरिएंटेशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम है और किस ओरिएंटेशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एम और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। आइए पहले वाले केस में देखते हैं, एम कहाँ आ रहा है और बी कहाँ है, ये तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, तो स्टेबल या अनस्टेबल कहाँ से आया, ये ऑप्शन इज अ गलत ऑप्शन, इसके बारे में बताइए। हाई देखिएगा थोड़ा, अरे करंट ऐसे ना घूम रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, कौन सा इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ ये बताइए, ये करंट ऐसे ना घूम रहा है, ये तुमको 3D फील हो भी रहा है, तुमको समझ में आ रहा है कि एक्स इधर नहीं एक्चुअली बात है, तुमको समझ में आ रहा है कि ऐसे नहीं एक्चुअली ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर मैग्नेटिक फील्ड उधर, ये तो इक्विलिब्रियम ही नहीं रहा। लेकिन ये बताइए इसमें करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ये कौन सा हो गया, तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढिए जिसमें बी वाले में स्टेबल हो और डी वाले में अनस्टेबल हो, ऐसा कौन सा है, तो ऐसा सी है बताइए, ये जेई मेन का सवाल है, क्या बोलते हो जाएगा 0 डिग्री पे स्टेबल, 180 डिग्री पे अनस्टेबल, ठीक है। हाँ अगला टॉपिक है हमारा, अजीब अजीब सा फोटो आजकल नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्या है बाबू, आयरन मैन का आर्क रिएक्टर लग रहा है क्या ये, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। तू है, चलिए और आराम से इसको समझिए, ठीक है। द नेम ऑफ टॉपिक इज मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, सुनिए, तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर एक गैल्वेनोमीटर होता है जिसके अंदर एक कोयल होता है जो क्या करता है, मूव करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, बोलो ना। और हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें से हो कि अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है, वो आपको बताएगा कि कितना करंट अभी इसमें फ्लो कर रहा है, ये अलग बात है, नहीं, वो जितना करंट बताएगा ना वो सही बताएगा, गैल्वेनोमीटर गलत करंट बताता है क्या, आपने तो सर बोला था कि गलत बताता है, गैल्वेनोमीटर एकदम सही करंट बताता है, आप समझ नहीं पाए हैं, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, ये देखिएगा, सुनिए एक मिनट, हेलो इधर देखिए, ये 10 ओम है और ये कितना है 20 वोल्ट है, कितना एम्पियर 2 एम्पियर, बोलो जल्दी, हमने क्या किया, ले आके वो गैल्वेनोमीटर लगा दिया, नहीं बोल रहे हो, अब ये भी खुद भी बेचारा 10 ओम का है, करंट कितना, एक मार डालेंगे, करंट कितना अनुष्का बताएगी, करंट इसमें 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, ठीक है हो गया 1 एम्पियर, तो तुम बताओ ये क्या बताएगा, ये 1 एम्पियर ना बताएगा, तो गलत बता रहा है ये, अरे यार तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो, प्रिंस अभी इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, अभी इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है,
काहे नहीं बोलता है? 1 एम्पियर। तो ये भी क्या बताएगा? 1। तो ये गलत बता रहा है। 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो ये 1 एम्पियर ही बता रहा है, ये गलत नहीं बता रहा है। लेकिन गलत हमारे लिए क्यों हो गया ये? क्योंकि हमको ये 1 एम्पियर थोड़े मेजर करना था, हमको तो ये 2 एम्पियर ने मेजर करना था। नहीं नहीं, आप फिर नहीं समझे, ये गलत नहीं बता रहा है। इसके में से अभी होके कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर बताएगा? धैर्य तेरे की। और एकदम मैंने इस सिचुएशन के हिसाब से सही ना बताया है, लेकिन एक्चुअली हमको ये मेजर करना ही नहीं था, हमको तो मेजर करना था कितना, 2 एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर गलत नहीं बताता है, बोलिए ना। ये ऐसा नहीं है कि गलत है, ये सही है, सिचुएशन ने इसको गलत बना दिया है। आप नहीं ना समझे अभी भी, रहने दीजिए। जिसको समझ में आना था आ गया है, बस इतना समझो कि गैल्वेनोमीटर से होके जब करंट फ्लो करता है ना, तो वो उसमें एक पॉइंटर होता है जो घूम के बताता है कि कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है। अब आज हम वही देखेंगे कि आखिर वो कैसे घूमता है और क्यों वो करंट बताता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है? इसको हम इधर रीड्रॉ करेंगे और आराम से समझेंगे कि आखिर ये है क्या। 2 मैग्नेट्स होती हैं, एक नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट और एक साउथ पोल वाला मैग्नेट। बोलो बाबू। जो 2 मैग्नेट्स होती हैं उनकी जो दीवारें होती हैं वो सिलिंड्रिकल होती हैं। थोड़ा किताब दीजिएगा। सिलिंड्रिकल होती हैं का मतलब आप समझ रहे हैं, एक दीवार इधर वाला ऐसा होगा। बोलो। ठीक है, बाकी अपना बाकी मैग्नेट होगा ये पूरा, और एक दीवार इधर से होगा, ये भी कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। ये 2 दीवारें आपको समझ में आ रही हैं? चलिए हम इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक है इस टाइप से और एक है बच्चों इस टाइप से। बोलो जल्दी। इसमें से एक होगा नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट और एक होगा साउथ पोल वाला मैग्नेट। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉर्थ में से निकलता है और साउथ में जाता है। तो हो गया कि ऐसे नॉर्थ में से वो क्या होगा, बोलो ना, नॉर्थ में से ऐसे निकलेगा और बच्चों साउथ में जाके क्या है रे, एंटर कर जाएगा, ऐसा सही है? अच्छा, कहने का मतलब है कि सरफेस के परपेंडिकुलर ही ना निकलेगा, तो उसी तरीके से मैंने निकाला भी है और उसी तरीके से मैंने एंटर भी कराया है। अब इन 2 दीवारों के बीच में एक सिलेंडर होता है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ क्या होता है, सिलेंडर होता है, पूरा का पूरा सिलेंडर होता है। इसी सिलेंडर में एक कॉयल को लपेटा जाता है। आप बताइए, इसमें अगर मैंने कोई कॉयल लपेटा तो उस कॉयल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? रेक्टेंगुलर ही ना होगा, खट 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 खट। ये कैसा है बताइए? रेक्टेंगुलर है, जिसकी लंबाई मान लीजिए एल हो गई, चौड़ाई मान लीजिए बी हो गई। ये जो आपको सामने में दिख रहा है वो बस क्या दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है, ये चीज तो आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए क्योंकि आप इसको देख कहाँ से रहे हैं, सामने सामने से देखेगा तो सर्कल ही ना दिखेगा। बहुत बढ़िया बच्चों, लेकिन आपका दिल जानता है कि ये सर्कल नहीं है, ये है एक पूरा का पूरा सिलेंडर जो कि ऐसे अंदर तक है, और इसमें हमने कॉयल लपेटा है, कॉयल लपेटा है, तो वो कॉयल का आपको सिर्फ सामने वाला हिस्सा ही दिखेगा। क्या बोलते हो, कॉयल का क्या दिखेगा? और यही कॉयल जो होता है ना, इसी के 2 एंड्स बाहर निकले होते हैं, जिनमें से एक में करंट आता है और एक से होके करंट, मैंने करंट आएगा इसमें नाचेगा आराम से, मन भर जाएगा तो फिर इधर से, हाँ इधर से निकल जाएगा, सही है? अब सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए अभी जस्ट हमने स्विच को ऑन किया, अच्छा इसी पर एक पॉइंटर लगा होता है और यहाँ होता है डायलर, जिसमें 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4, 5 ऐसा लिखा रहेगा। अरे सुन भी रहे हो क्या? हाँ, अब सुनो ध्यान से। हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो शुरू हुआ। अब मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है बोलो ना, करंट कैसे फ्लो कर रहा है बताइए,
हेलो, हाँ ये देखिए, इधर से करंट आया, इसके अंदर करंट घूम रहा है। अब बताइए, अगर करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसके मैग्नेटिक, देखिए आप लोग ध्यान दे नहीं रहे, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी ने इसको नहीं हटाया है का मतलब हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कन्फर्म है, तुम्हारे बोर्ड में पूछ रहा है। करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है रे बच्चों, तो करंट ऐसे घूम रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ आएगा? ऊपर। तो इसके मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा कहाँ बताइए, या यूं कहे ना कि ये जो पॉइंटर है ना, जा ये मैग्नेटिक मूवमेंट के ही डायरेक्शन में आएगा। अब आप बताइए कि क्या ये कॉयल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? तो हाँ रखा हुआ है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा कर रहा है? ये दोनों मैग्नेट्स पैदा कर रहे हैं। तो बताइए इस कॉयल को जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो यही वाला ना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? अरे यही नहीं इसको मिलेगा, बताओ। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। यानी इस पर टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क, वो भी मैक्सिमम लगेगा। और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? एम बी साइन थेटा। तो एम की जगह एम लिखिए, बी की जगह जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लिखिए, और साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री, बोलिए ना। हाँ ठीक है, तो साइन 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू कितनी होती है वह। अच्छा एक और बात है, एम की जगह पे भी हम लोग लिख सकते हैं ना, एन एन आई ए, जिसमें एन हो गया नंबर ऑफ टर्न। नहीं देखो, इधर देखो, नंबर ऑफ क्या? टर्न। आई का मतलब हो गया करंट, और ये का मतलब हो गया एरिया। एरिया तो निकल ही जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई करके, तो ठीक है एन आई ए। तो ये हो गया एम, फिर आएगा बी, और फिर साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री लिखने की जरूरत। इस टॉर्क को बोला जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क? क्योंकि इसमें जो अब डिफ्लेक्शन आएगा जा, उसके लिए यही वाला टॉर्क ना रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन होगा। सवाल है कि डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, है ना बाबू? तो एम क्रॉस बी कर लिया जाए, एम कहाँ है? ऊपर, बी कहाँ है? इधर। एम क्रॉस बी कहाँ रहा है? अंदर। अंदर का मतलब क्या हुआ है? अरे अंदर का मतलब क्लॉकवाइज होता है, ये तो कोड हमने पढ़ा है। अंदर का मतलब क्या है? यानी कि ये घूमने वाला है अभी, कैसा बोलो? क्लॉक, अभी ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो चलो थोड़ा सा इसको हम लोग घुमाते हैं। अब थोड़ा सा ये घूम जाएगा तो ये जो कॉयल्स यहाँ है थोड़ी देर के बाद ऐसी हो जाएंगी, बोलो, और मैग्नेटिक मूवमेंट इधर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए, और जो पॉइंटर है वो कहीं यहाँ पहुँच गया। अरे बोलो, तुम हमको ये बताओ कि अब जो टॉर्क लग रहा होगा वो सेम होगा कि वही होगा जो पहले था? जैसे मान लीजिए कि ये है 10 न्यूटन मीटर, तो थोड़ा घूमने के बाद भी वही टॉर्क लगेगा कि कुछ और टॉर्क लगेगा? अब टॉर्क बदला कि नहीं बदला ये जानने के लिए हम देखेंगे कि इनमें से कुछ बदल रहा है कि नहीं। क्या लग रहा है? थोड़ा घूम जाने से इसका नंबर ऑफ टर्न बदल गया? नहीं। थोड़ा घूम जाने से जो करेंट जा रहा था वो बदल गया? नहीं। घूम जाने से इसका एरिया बदल गया? नहीं। घूम जाने से का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बदल गया? नहीं। और कमाल की बात यह है कि इसके घूम जाने से एंगल भी नहीं बदला है। क्यों नहीं बदला है? क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है। अब जो इसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो ये वाला ना मिलेगा? अब थोड़ा सा ये तिरछा हो गया था, लेकिन ये वाला ना मिलेगा। एक बार फिर से देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जा और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि टॉर्क में कोई बदलाव नहीं है। ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए क्यों मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेट्स की दीवारें होती हैं वो सिलिंड्रिकल होती हैं? क्यों? ताकि हर ओरिएंटेशन में कॉयल के मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना रहे और टॉर्क कॉन्स्टेंट रहे। टॉर्क को कॉन्स्टेंट बनाने के लिए दीवारों को किया गया है सिलिंड्रिकल। अरे बोलो भाई, ये थोड़ा और घूमेगा तब ये तब भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, बोलिए ना, वो इस लूप के पैरेलल यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट के परपेंडिकुलर ही होंगे, बोलिए। तो ये चीज हो गया। अब सुनिए एक मिनट, अगर ये कॉन्स्टेंट टॉर्क लगने लगा तब तो ये लगातार घूमता ही जाएगा, ये तो कभी रुकेगा ही नहीं, लगातार पूरा जितना घूमना होगा घूम जाएगा। लेकिन इसको कहीं ना कहीं आके रुकना भी तो है। अब जैसे 4 एम्पियर करंट है तो वहाँ आके रुकना भी तो है, 2 एम्पियर करंट है यहाँ आके रुकना भी तो है, तो रोकना भी इम्पोर्टेंट है इसमें। ओ माय गॉड, अरे कॉन्स्टेंट टॉर्क लगातार लगता रहा तो ये कभी रुकेगा? तो रुकना भी तो जरूरी है।
इसको रोकने के लिए हम इसमें एक पत्ती लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ऐसा इस टाइप का एक पत्ती लगा के यार यहाँ इस तरीके से फिक्स कर देते हैं। अब बोलोगे ये पत्ती का क्या 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 रोल है, चाहे ये पत्ती है क्या? तो सुनिए, आपने बचपन में कोई चाबी वाला खिलौना खरीदा है कभी? तो जब उसकी चाबी खराब होती थी, हम उसको निकालते थे, उसमें क्या रहता था? उसमें पत्ती नहीं रहता था। अरे स्ट्रिप टाइप का नहीं होता था ऐसा, मेटालिक स्ट्रिप। और जब चाबी घुमाते थे तो वो पत्ती अंठाता था। अरे बोलो भाई। हाँ, तो वही पत्ती हम इसमें लगा देते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब ये करंट इसको घुमाने की कोशिश करेगा तो ये पत्ती उसको रोकने की कोशिश करेगा। आइए हम इस पत्ती के बारे में थोड़ा अलग से डिटेल में समझते हैं। सुनिएगा, इसको भी हम स्प्रिंग ही कह सकते हैं। बस ये स्प्रिंग कैसा है? स्पाइरल है। अरे बोलो ना, ये भी स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग कैसा है? हेलिकल है। ये स्प्रिंग कैसा है? स्पाइरल है। ये भी स्प्रिंग ही है। तो ये वाला जो स्प्रिंग हमने पढ़ा था, सुनो बच्चों, उसमें अगर स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पर है और हमने इधर कुछ 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगाया, तो बताइए स्प्रिंग अभी इधर कितना फोर्स लगा रहा होगा? स्प्रिंग अभी कोई फोर्स, स्प्रिंग तभी फोर्स लगाएगा जब या तो आप उसको खींचिए ना तो आप उसको दबाइए। नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग कोई फोर्स, अभी कोई फोर्स ये नहीं लगा रहा। इधर फोर्स कितना लग रहा होगा? जीरो। बताइए कौन जीत रहा है? नहीं, आप जीत रहे हैं भाई। यहाँ लड़ाई किस में है? आप में और स्प्रिंग में। आप कह रहे हैं ब्लॉक उधर जाएगा, स्प्रिंग उसको रोकना चाह रहा है, लेकिन अभी फिलहाल स्प्रिंग ने कोई फोर्स नहीं लगाया है। तो नेट फोर्स किधर? उधर। नेट फोर्स अगर उधर तो एक्सेलरेशन भी उधर। एक्सेलरेशन उधर का मतलब हुआ ये तो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ा, ये पहुंचा मान लो बच्चों यहाँ पे। अब स्प्रिंग थोड़ा सा लमर गया। यू नो लमर ना? कुछ इसका इंग्लिश बताइए। इलोंगेट करके लमर नहीं, ठीक है, लमर गया। अब बताओ तो स्प्रिंग इस पर फोर्स लगाएगा कि नहीं? अब लगाएगा। अब इसको होश आया। स्प्रिंग जो इधर फोर्स लगाता है, स्प्रिंग जो बच्चों वो होता है K इंटू एक्स, जिसमें एक्स ये इलोंगेशन होता है। इसका मतलब हुआ आप जितना ज्यादा इसको इलोंगेट करिएगा ना, स्प्रिंग उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। हालांकि हमने थोड़ा सा इलोंगेट किया है तो स्प्रिंग अभी थोड़ा सा फोर्स लगाया। मान लो स्प्रिंग लगाया 2 न्यूटन, लेकिन आप कितना लगा रहे हैं बताइए? अभी भी कौन जीत रहा है? अभी भी आप जीत रहे हैं। यानी अभी ये थोड़ा और लमरेगा। अरे आप सुन भी रहे हैं? अब बताइए एक्स इतना हो गया ना, आप तो वही 10 न्यूटन का कॉन्स्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि इलोंगेशन बहुत ज्यादा हो गया तो स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स भी ज्यादा, मान लो कितना हो गया 8 न्यूटन। लेकिन अभी भी कौन जीत रहा है? आप। अभी और लमरेगा। हालांकि अब इसको लमराना पहले से थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पहले जितना इजीली ये खिंचा रहा था, अब उतना इजीली नहीं खिंचाएगा, लेकिन फिर भी खिंचाएगा जरूर, क्योंकि जीत रहे हैं आप, जीत रहे हैं आप। ये पहुंचा यहाँ, आपने आप लगा रखे थे कितना? 10 न्यूटन। ये काफी अच्छा खासा लमर चुका है, बताइए। अरे बोलिए ना। तो बिल्कुल ऐसा समय आएगा कि इलोंगेशन इतना हो जाएगा कि इधर वाला फोर्स भी कितना? कौन जीत रहा है? आपकी स्प्रिंग। इसका मतलब हुआ अब ये आपसे नहीं खिंचाने वाला है। वो जितना खींचना था आप खींच चुके हैं। अब इतना बड़ा स्प्रिंग कहाँ भी मिलेगा आपको? आप तो अब साइकिल में हम लोग रबर रखते हैं बैग बांधने के लिए। आपके जमाने में चलता है वो सर? अच्छा, मैंने हम लोग ठीक है, आटा उटा लाने के लिए, सिलेंडर लाने के लिए नहीं होता है वो रबर? तो घर में तो होगा ना, तो उसका बिहेवियर भी स्प्रिंग टाइप का ही होता है। इसको लीजिए, तो आप उसको ना पकड़ के खींचे, देखिए शुरू में बड़ी आसानी से खिंचाता है, लेकिन जैसे जैसे खिंचाता जाएगा वैसे वैसे मुश्किल होता जाएगा। और हो गया। और एक ऐसा भी समय आएगा कि अब ये आपसे नहीं खिंचाएगा, समझ लीजिएगा वो समय कौन है? ये वाला समय है। क्लियर है? आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो खैर एक्सटर्नल फोर्स है। स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है उसको बोला जाता है रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स कहिए चाहे रेस्टोरिंग फोर्स कहिए। अच्छा, स्प्रिंग वाले फोर्स को हम रेस्टोरिंग फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हमने अपना वाला फोर्स हटा लिया,
वापस से पहुंच जाएगा कि नहीं? वापस से इसको किसने पहुंचाया? आपने पहुंचाया, इसे स्प्रिंग ने पहुंचाया। रिस्टोर होने का मतलब हुआ कि अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाना, उसको बोला जाता है कि वो चीज़ रिस्टोर हो चुका है। तो स्प्रिंग कहीं ना कहीं इसको रिस्टोर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, इसीलिए स्प्रिंग के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स, जो कि होगा के इंटू एक्स। सही है। अब हम बात करेंगे इस टाइप के स्प्रिंग की। अब इसमें यहाँ एक चाबी है, क्या बोलते हो? अब हमको उसको ऐंठना है, क्या करना है, ऐंठना है। तो बताइए, ये भी स्प्रिंग था, ये भी स्प्रिंग है, लेकिन यहाँ पर हमको लीनियर मोशन करना था, यहाँ पर हमको ट्रांसलेशनल मोशन करना था, यहाँ पे हमको रोटेशनल मोशन कराना है। आप बताइए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हमको फोर्स लगाना होता है, रोटेशनल मोशन के लिए हमको टॉर्क लगाना होता है। तो अभी हम लगाएंगे टॉर्क। अब मान लो हम कांस्टेंट टॉर्क लगा रहे हैं 10 न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज, हम तो क्लॉकवाइज ना लगा रहे हैं। तो एकदम शुरू में जब ये थोड़ा भी नहीं घूमा है, उस समय ये पत्ती आपका अपोज नहीं करेगा, शुरू में नहीं करेगा, वो कोई अपोज नहीं करेगा, इधर की तरह एकदम 0 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाएगा। तो बताइए, आप ही ना जीत रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली इसको थोड़ा घुमा पाएंगे। मान लीजिए आपने इसको थोड़ा घुमा दिया, 10 डिग्री घुमा दिया, अरे शांत रहो ना यार, जब तुम इसको घुमा दोगे 10 डिग्री, तो अब ये पत्ती अपोज करना शुरू करेगा। अब ये बोलेगा कि मत घुमाओ, रहने दो, क्या बोलते हो? अब अपोज करेगा तो ये फोर्स लगाएगा कि टॉर्क लगाएगा? आप अगर टॉर्क लगा के घुमा रहे हैं तो ये भी टॉर्क लगा के ही ना अपोज करेगा, तो आप कोई टॉर्क लगा रहे, ये किधर लगाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, मैंने आफ्टर सम टाइम आप तो वही 10 न्यूटन मीटर का लगा रहे हैं, लेकिन ये इधर की तरफ आप कुछ टॉर्क लगाएगा। और जिस तरीके से, सुनिएगा एक मिनट, जिस तरीके से स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स समथिंग के इंटू एक्स होता है, उसी तरीके से इस पत्ती के द्वारा लगाया गया टॉर्क समथिंग के इंटू थीटा होगा। अरे यार, सेम बात है, उधर लीनियर मोशन हो रहा था, इधर एंगुलर मोशन हो रहा है। इसका मतलब हुआ, एंगल जितना बढ़ता जाएगा, अपोज भी उतना ही बढ़ता जाएगा। बोलो बाबू, ठीक है। अब स्प्रिंग इधर लगाएगा, कुछ मान लो कि कितना, 2 न्यूटन मीटर लगाया, बताओ कौन जीत रहा है? आप जीत रहे हैं, आपका टॉर्क अभी भी ज्यादा है, यानी अभी आप इसको थोड़ा और घुमा सकते हैं, थोड़ा और घुमाइए। आप तो वैसे भी 10 न्यूटन मीटर ही लगा रहे थे, लेकिन ये अब हो सकता है कुछ 8 न्यूटन मीटर लगाने लगे, क्योंकि जितना एंगल बढ़ता जाएगा पत्ती का टॉर्क उतना ही। अच्छा, पत्ती के टॉर्क को हम लोग रेस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। क्यों इसको रेस्टोरिंग टॉर्क बोल रहे हैं? क्योंकि एक बार हम अपना वाला टॉर्क हटा लेंगे तो ये वापस से घुमा के नहीं लेके चला जाएगा ओरिजिनल पोजीशन पे। कौन जीत रहा है बताइए? आप जीत रहा है, यानी अभी आप इसको और घुमा सकते हैं। हालांकि अभी एक पहले से कड़ा महसूस होगा, आपने वो खिलौने वाली चाबी में महसूस किया होगा कि पहला जितना आसानी से घूमता है, दूसरा उतना आसानी से नहीं घूमता, ऐसा महसूस हुआ होगा। तीसरा और कड़ा हो जाता, और एक ऐसा भी समय आएगा कि आप लगा रहे थे 10 न्यूटन मीटर, आप इतना घुमा चुके हैं इसको कि अब ये भी लगाने लगा कितना है। बताइए, अब कौन जीत रहा है? कोई नहीं जीत रहेगा, मतलब अब इससे ज्यादा ये नहीं घूमेगा, अब ये रुक जाएगा। आप समझ रहे हैं? ओह माय गॉड। तो बताइए, ये कब रुका था? तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, देखो कब रुका था, जब आपके द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल टॉर्क, जिसको आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोल सकते हैं, आप ही ना डिफ्लेक्ट करा रहे हैं, किसके बराबर हो जाए? अगर रेस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाए तो ये वहां पर जाके रुक जाएगा। सुन रहे हो? सेम कहानी होगी यहां पर, ये घूमना शुरू करेगा। मान लो कि 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है, किसने लगाया है? करेंट ने लगाया है, करेंट की वजह से टॉर्क लगा है, तो ये घूमना शुरू होगा तो पत्ती ऐंठना शुरू होगा, पत्ती ऐंठाना शुरू होगा तो पत्ती का अपोज भी बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा भी समय आएगा कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क आपस में बराबर हो जाएगा, उस समय ये जाके रुक जाएगा। यानी एट इक्विलिब्रियम, एट कहां? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू क्या? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है? एन आई ए बी है, और रेस्टोरिंग टॉर्क होता है के इंटू थीटा। शायद आपकी किताब में के की जगह सी लिखा हुआ है, सी से ही डिनोट किया जाता है, सी इंटू थीटा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सी यहां एक कॉन्स्टेंट ही है।
स्प्रिंग फोर्स में जो के एक्स होता है उसमें के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। के का नाम क्या होता है? इसको बोला जाता है टोर्शनल कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? देखो ना, उसमें पढ़ो ना, लिखे लिखा ही होगा, टोर्शन कांस्टेंट या टोर्शनल कांस्टेंट इसको बोला जाता है। क्या लिखा है? टोर्शन कांस्टेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहां से हम आई निकाल सकते हैं बच्चों। अरे बोलो भाई, कितना बताइए? सी बाई एन ए बी और इनटू क्या? थेटा। जिसमें बताइए कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है? तो सी कांस्टेंट है, सी का जन्म ही हुआ है एज अ कांस्टेंट। नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, कोयल का एरिया कांस्टेंट, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? थीटा। सुन भी रहे हो? यानी कि 10 डिग्री पर 5 एम्पियर है तो 20 डिग्री पर 10 एम्पियर होगा। बोलो ये चीज। और कितना करंट है ये जानना है, तो आप ये सारी वैल्यू डालिएगा, आपको करंट मिल जाएगा। बोलो ना, 10 डिग्री यहाँ 10 लिख देना, यहाँ इतना सब लिख के निकाल लेना। मान लो 5 एम्पियर आया तो क्या करना? 10 डिग्री पर 5 एम्पियर मार्क कर देना, तो 20 डिग्री पर 10 एम्पियर, 30 डिग्री पर 15 एम्पियर। अरे बोलो यार, तो ये सब चीज हो जाएगा। देखिए ये सब लिखा हुआ है, है? वो डिपेंड, देखो बात ये है कि हम लोग पहले ये नहीं डिसाइड करते हैं कि सी कितना है, एन कितना है, ए कितना है, बी कितना है, थीटा कितना है, तो आई हम लोग पहले नहीं निकालते हैं। एक्चुअली हम पहले आई पता कहीं से कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर मान लो मैं बना रहा हूँ, तो मुझको पहले आई पता होना चाहिए। अभी अभी मैं बना ना रहा हूँ, मुझको पता है कि 10 एम्पियर करंट मैंने भेजा है। अरे बोलो, उसके बाद हम ना थीटा निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि 20 डिग्री पर जाके कहाँ जाकर रुक गया। इसका मतलब 20 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा 10 एम्पियर को। अरे बोलो, उसके बाद हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने गैल्वेनोमीटर बनाते समय थीटा को डिग्री में लिया है कि रेडियन में लिया है। ठीक है, मैंने करंट हमको पहले से पता है, तो हम लोग क्या क्या निकालेंगे? एंगल। अन्य हम लोग थोड़े निकालेंगे, ये खुद जाके वहां रुक जाएगा। हम लोग नाप लेंगे कि हाँ कितना। जैसे इसी केस को लो ना, मान लो 30 डिग्री, क्या बोलते हो? यहां जाके रुक गया, तो हम देख लेंगे कि 30 डिग्री पे रुक गया का मतलब 30 डिग्री पे कितना एम्पियर लिया जाए? 10 एम्पियर लिया जाए, तो 30 डिग्री, चाहे 4 एम्पियर ना है, हाँ तो 30 डिग्री पे कितना है? 4 एम्पियर है, तो जाहिर सी बात है 60 डिग्री पे कितना होगा? 8 एम्पियर होगा। उसके बाद हम लोग मार्किंग कर लेंगे 60 डिग्री पे 8 एम्पियर। ठीक है, और उसके हिसाब से जहां जाके रुकेगा वो करंट हम लोग बता देंगे कितना करंट है। ठीक है, देख लीजिए इसको। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन में तुमको अगर मान लो डिग्री में ही दिया हुआ है ना, तो तुम डिग्री में रखना, रेडियन में दिया होता रेडियन में रखना। ठीक है, बस इतना समझो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। इससे ज्यादा यूज किसका होता है? इस वाले रिलेशन। ठीक, ठीक है, ये समझ में आया? चलिए हम लोग कल मिलते हैं।